जी, मैं हूं बीएस और आप देख रहे हैं बीएस फिल्म्स प्रोडक्शन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिविंची रिजोल्व के बीम्स के बारे में। मैं यहां से डिविंची रिजोल्व को ओपन कर लेता हूं। जैसा कि आपको पता है, स्प्लैश फाइल के ऊपर सॉफ्टवेयर जो है अपने प्लगइन्स और फिल्टर्स को लोड करता है, तो डिविंची रिजोल्व यहां पर अपनी सेटिंग्स और मीडिया पेज वगैरह वगैरह जो इसके पेजेस होते हैं उनको लोड करता है, और कुछ सेकंड्स के बाद आपके पास स्टार्ट पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि ये आपके पास आ गया है। और यहाँ से हम डायरेक्टली किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको पहले इरेज कर देता हूँ ताकि हर चीज़ क्लीन हो जाए। तो ये आपको फेवरेट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया है। यहाँ से आप फोल्डर को फेवरेट्स बना लेते हैं, उससे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर लाइट लीक्स, फ्लेयर्स वगैरह, या कुछ AVIs, कुछ बैकग्राउंड वीडियोज़, या कुछ ग्लिच इफेक्ट्स वीडियोज़ जो होती हैं, या कुछ मैट्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मटेरियल्स जो हमें एडिट करते हुए मोस्टली ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उनको बार बार सर्च करके इसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो टाइम को शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ से उस फोल्डर को ही फेवरेट कर देंगे। तो यहाँ से जब हम फेवरेट कर देंगे, परमानेंटली तौर पर आपको यहाँ पे ये दिखाई देंगे। आप न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे तो ये यहाँ पर ऐसे ही फेवरेट रहेंगे, आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और मास्टर बिन के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। उसके बाद आ जाता है पावर बिन और स्मार्ट बिन। पावर बिन जो होता है, पावर बिन के अंदर हम लोगोज, टेक्स्ट वगैरह की स्लाइड्स को ऐड कर लेते हैं, जो मोस्टली हमें हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर वीडियो के अंदर यूज़ करनी होती है। मान लीजिए मैं ये एक वीडियो पावर बिन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको आप समझ लें, ये आपका लोगो है। अगर आप यहाँ से, मैं इसके होम आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट कर लूँ या किसी और प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखें मास्टर बिन के अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा क्लिप पड़े हुए हैं। पावर बिन के अंदर जाता हूँ तो पावर बिन के अंदर वही वाला क्लिप हमारा पड़ा हुआ है इधर, यानी कि ये क्लिप आप न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे तो इधर पड़ा रहेगा, और ये फेवरेट फोल्डर्स भी आप देख सकते हैं। जैसा कि फेवरेट फोल्डर और पावर बिन कुछ सेम काम करते हैं, बट फेवरेट फोल्डर के अंदर आप पूरा फोल्डर यहाँ पे फेवरेट कर लेते हैं, बट वो होता आपकी ओरिजिनल जगह पर ही पड़ा हुआ होता है। जो पावर बिन होती है, ये पावर बिन अपना सोर्स क्रिएट करती है, कैशे क्रिएट करती है प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर, जो कैशे क्रिएट हो रहा होता है तो ये कैशे क्रिएट कर लेता है, तो ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। इसके अंदर ये थोड़ा सा अंतर होता है। इसके बाद आता है स्मार्ट बिन। स्मार्ट बिन के अंदर ये होता है कि मान लें अगर आपने कोई वीडियो काफी बड़ी शूट की है, कोई पिक्चर शूट की है, कोई शॉर्ट फिल्म शूट की है, या कोई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो आप, या कुछ सॉन्ग शूट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपने शॉर्ट्स जो है मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ लाइट से, मुख्तलिफ सीन आपने कैप्चर किए हुए हैं, तो उसको आपको एडिट करते हुए, अगर सीन्स को, क्लिप्स को चूज करते हुए आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्मार्ट बिन यूज़ करना है। स्मार्ट बिन को कैसे यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ फुटेजेस पड़े हुए हैं। मैं यहाँ से मेटा डाटा के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो ये वाली बार ओपन हो जाती है। इस बार के अंदर अगर हम यहाँ पे मास्टर बिन के अंदर किसी भी क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसकी मेंशंस डिटेल्स आ गई हैं, और यहाँ पे अगर किसी के पास ये शॉर्ट एंड सीन नहीं शो हो रहा तो ये इसका एक आइकन दिखाई दे रहा है आपको। इसके ऊपर आके माउस को लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्लिप की यहाँ पर डिटेल मेंशन करेंगे मैन्युअली तरीके से। मैं यहाँ से शॉर्ट एंड सीन कर लेता हूँ, तो शॉर्ट एंड सीन के अंदर अगर आप कुछ भी तरीके से इसको मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने इसको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, डे एंड नाइट के ऊपर ये डे शॉट है, और टाइप जो है वो वाइड है, ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है। और नेक्स्ट शॉट के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर देखेंगे तो डे को मैंने, ये डे का शॉट है, इसको डे किया हुआ है, और शॉट जो है ये क्लोज है तो इसको मैंने इधर क्लोज दिया हुआ है, और ये वाला वाइड शॉट है और डे का है, ये वैसे मेंशन किया हुआ है, और ये नाइट का शॉट है और क्लोज शॉट है, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है। आप इसको ऐसे, जैसे ये वाइड शॉट है तो यहाँ पर टाइप के ऊपर क्लिक करके वाइड टाइप कर देंगे, और ये हमारा नाइट शॉट है,
और टाइप जो है वाइड है। ऐसे हमने एक एक क्लिप के ऊपर क्लिक करके इसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है। ज़रूरी नहीं है आप इसको डे नाइट ही सिलेक्ट करें यहाँ से, या कुछ भी आप शूट डे, क्लिप नंबर, प्रोग्राम नेम, एपिसोड, एपिसोड नेम, शूट ड्यूरेशन, लोकेशन, किसी भी चीज़ से इसकी डिटेल्स को मेंशन करके मेटा डाटा के अंदर और स्मार्ट बिन के अंदर आके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि मान लीजिए मैंने पूरे क्लिप्स की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन नहीं की, मैंने आपको समझाने के लिए दो चार क्लिप्स को मेंशन कर दिया है। इस आइकन के ऊपर कर्सर को ला के लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारी टाइमलाइन वाली बार थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, और हम उसके बाद आएंगे स्मार्ट बिन के अंदर। यहाँ पे ला के हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमें ये एक पेज दिखाई देता है। इस पेज के ऊपर ऐड स्मार्ट बिन के ऊपर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर यहाँ पर हम नाम देंगे हमारी स्मार्ट बिन का, मैं यहाँ से इसको 01 कर देता हूँ, और मीडिया इसके ऊपर अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट एंड सीन जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था। इसको अगर मैं कैंसिल कर दूँ, यहाँ से हमने शॉर्ट एंड सीन सिलेक्ट किया था तो हम यहाँ पर स्मार्ट बिन के अंदर आके स्मार्ट बिन को जनरेट करते हुए शॉर्ट एंड सीन ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे शॉर्ट एंड सीन, और उसके बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डे एंड नाइट, और कंटेंट हमें चाहिए और यहाँ पे हम लिख देते हैं नाइट और इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और माउस से फिर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड स्मार्ट बिन के ऊपर फिर से क्लिक करूँगा और इसका मैं नाम 02 दे देता हूँ, और यहाँ से फिर से शॉर्ट एंड सीन, और यहाँ से हम करेंगे डे एंड नाइट, और यहाँ पे डे कर देंगे और इसको क्रिएट कर देंगे, और फिर से न्यू स्मार्ट बिन फोल्डर जनरेट करेंगे, इसका नाम 03 कर देंगे, और यहाँ से शॉर्ट एंड सीन, और यहाँ से इक्विपमेंट, और इसको वाइट फिर से जनरेट करेंगे फोल्डर, और इसका नाम हम 4 कर देते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो, एनीवन, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ से आपको ये कुछ सिलेक्शन शॉर्ट एंड सीन, अगर आप क्लिप डिटेल्स मेंशन कर रहे हो तो यहाँ से क्लिप डिटेल सिलेक्ट करेंगे, जो चीज़ यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे वही चीज़ आप इधर से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर आप इक्विपमेंट में काम कर रहे हो मेंशन तो इक्विपमेंट सिलेक्ट करेंगे, और अगर डे नाइट पे मेंशन कर रहे हो डे नाइट करेंगे, मूवी पे मेंशन कर रहे हो तो यहाँ पे आके फिर मूवी सिलेक्ट करेंगे। जैसे जैसे आप वो सिलेक्शन कर रहे हो वैसे वैसे इधर भी क्रिएट करने आप। जैसा कि अभी आप देखें मैंने यहाँ से ये नाइट वाले टोटल शॉट आ गए हैं, इसका नाम हम नाइट कर देते हैं, और ये हमारे डे वाले शॉट आ गए हैं, और ये हमारे क्लोज वाले शॉट आ गए हैं। ये देख रहे हैं आप, ऐसे ही आप अपनी वीडियो के मास्टर बिन के अंदर अगर हम आते हैं, मास्टर बिन के अंदर हमारे टोटल क्लिप्स एक साथ पड़े हुए हैं। अगर हम स्मार्ट बिन को यूज़ करते हैं तो स्मार्ट बिन के अंदर हमने नाइट वाले शॉट एक फोल्डर हमने क्रिएट किया तो उसके अंदर टोटल शॉट्स नाइट्स वाले आ गए, और डे वाला फोल्डर जनरेट किया तो इसके अंदर टोटल शॉट्स डे वाले आ गए, क्लोज वाला सेलेक्ट किया तो इसके अंदर टोटल क्लिप्स क्लोज वाले आ गए। तो ये मैंने इसकी कुछ मेंशंस प्रॉपर तरीके से नहीं की तो इस वजह से ये क्लिप कुछ आगे पीछे आ रहे हैं। बाकी आपको ये समझ में आ चुका होगा किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। मास्टर बिन भी आपको समझ में आ गया है, पावर बिन भी समझ में आ गया है, स्मार्ट बिन भी समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको प्रॉपर तरीके से दोबारा मेंशन करके आपको समझा दूंगा। यहाँ से अगर ये हमारा पावर बिन और फेवरेट जो है इसको अगर हम होम के आइकन के ऊपर ला के लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से अगर हम प्रोजेक्ट को चेंज करते हैं तो अगर आप देखें स्मार्ट कीज़ जो हैं उसके बिन के फोल्डर आपके इरेज हो चुके हैं, मास्टर बिन के अंदर आपकी जो वीडियो पड़ी हुई थी वो भी इरेज हो चुकी है। अगर हम पावर बिन के अंदर आते हैं तो हमारा ये वाला
वीडियो क्लिप इधर मौजूद है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था आप लोगो या स्लाइड्स वगैरह को ला के रख देंगे, आपको बार बार कॉल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रोजेक्ट न्यू जनरेट करने से भी पड़ी रहती हैं। और ये फोल्डर जो हैं ये वाले आप फेवरेट कर लेते हो तो ये तो आपने एक दफ़ा कर लिए तो बस इसके अंदर आप कुछ भी चेंज करते रहो, डेटाबेस चेंज करते रहो, कुछ भी चेंज करते रहोगे, आपके ये फोल्डर मेंशन रहेंगे, आपको बार बार फोल्डर्स को अंदर फाइल्स को सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये डेटाबेस के अंदर आपको ये चीज़ें यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेंगे, आपको काम करते हुए आपकी जो स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे एक दफ़ा वीडियो के अंदर ये थोड़ा सा आप मेंशंस करके लेके चलेंगे तो जब आप वीडियो एडिट कर रहे होंगे तो यकीन माने आपको बहुत मज़ा आएगा एडिट करने का। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।